कोरोना महामारी जब अपनी चरम पर था तब भी सरकारी तंत्र पर लापरवाही का आरोप लग रहा था और आज भी सरकारी तंत्र पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। पटना से एक खबर आई है जहां पता चला है कि कर्मचारियों ने केवल मेहनत से बचने के लिए 1000 से ज्यादा उन लोगों का मोबाइल नंबर ही गायब कर दिया जिनका कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया था। यह लापरवाही का एक ऐसा मामला है जहां केवल मेहनत से बचने के लिए कुछ कर्मचारियों ने कंप्यूटर में डेटा एंट्री करते समय सभी लोगों के मोबाइल नंबर वाले स्थान पर 00 दर्ज कर दिया। अब जब यह मामला संज्ञान में आया है तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि केवल मेहनत से बचने के लिए कर्मचारियों ने ऐसा काम किया है। कोरोना के दौरान हम सबने देखा कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लापरवाही हो रही है और उसके कारण पूरे राज्य में अव्यवस्था का माहौल था। किस प्रकार से कर्मचारियों ने बड़ी लापरवाही करते हुए हजारों लोगों के मोबाइल नंबर के साथ खिलवाड़ कर दिया उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे और आज कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर जो समीक्षा की गई है उसके बाद क्या क्या छूट मिली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता रक्षण का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज कोरोना के लिए समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि अगले एक सप्ताह तक के लिए राज्यों में लगी प्रतिबंधों में ढील दी गई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई, अगले एक सप्ताह तक अर्थात दिनांक 10/6/2021 से 22/6/2021 तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे अपराह्न तक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान 6 बजे अपराह्न तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू संध्या 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। कार्यालयों को लेकर फैसला लिया गया है कि अब शाम 5 बजे तक सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी भी प्रकार के कार्यालय खुले रहेंगे। वहीं रात्रि कर्फ्यू को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है बल्कि अगले एक सप्ताह तक रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इन सबके बीच लोगों को उम्मीद थी कि शिक्षण संस्थानों को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा लेकिन इस बार भी सरकार की तरफ से शिक्षण संस्थानों को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। कुछ दिन पहले जब अनलॉक 1 की घोषणा हुई थी तब माना जा रहा था कि सरकार की तरफ से शिक्षण संस्थानों को लेकर कुछ निर्देश दिया जाएगा लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब तक कोरोना एकदम सामान्य नहीं हो जाता तब तक किसी भी कीमत पर शिक्षण संस्थानों को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ समय से लगातार शिक्षण संस्थान चलाने वाले व्यक्ति भी सरकार से शिक्षण संस्थानों को लेकर कुछ निर्देश दिए जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। वहीं बाकी सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द सरकार शिक्षण संस्थानों को लेकर भी कोई फैसला लेगी। अब बात कर लेते हैं पटना में कोरोना टेस्ट के दौरान हुए खेल के बारे में। पटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उससे एक बात तो साफ है कि डाटा ऑपरेटर द्वारा जो डेटा तैयार किया जा रहा है वह एक प्रकार से फर्जी है और विभाग के बड़े अधिकारी का इस पर कोई ध्यान भी नहीं था। एक जगह से मामला सामने आया है तब इस पर चर्चा हो रही है लेकिन हो सकता है कि बाकी जगह पर भी इसी प्रकार से खेल चल रहा हो लेकिन इसकी जानकारी अब तक किसी की ना हो। विभाग की तरफ से जब इस बात की जांच हुई तो पता चला कि 1 मई से लेकर 30 मई तक पटना में 1131 वैसे लोगों का मोबाइल नंबर 0 दर्ज किया गया है जिन्होंने अपना कोरोना जांच कराया है। अब जब जांच के दौरान कर्मचारियों को पकड़ा गया तो 3 डेटा ऑपरेटरों को उनके पद से हटा दिया गया है। एक और चीज देखा गया है कि रजिस्टर में सभी व्यक्तियों का मोबाइल नंबर सही सही दर्ज है लेकिन जब उसे कंप्यूटर में फिट किया गया तब उसके आगे 00 लिख दिया गया। फिलहाल दोषी पाए गए कर्मचारियों को पद से हटा दिया गया है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ना जाने कितने जिलों में इस प्रकार की घटना हो रही होगी जिसकी जानकारी अभी तक सरकार के पास पहुंची भी नहीं है। फिलहाल हम चाहेंगे कि सरकार को कम से कम स्वास्थ्य विभाग में फैली ऐसी लापरवाही को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे कभी मृत्यु के आंकड़े गड़बड़ हो जाते हैं तो कभी कोई डेटा ऑपरेटर जब डेटा की एंट्री करता है तो उसमें गड़बड़ी कर देता है। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।